और दोस्तों, अगर आप ये कल्टीवेटर नहीं लेना चाहते, अपना खुद का कल्टीवेटर बनवाना चाहते हो, तो जो साइज दोस्तों मैंने आपको बताया है वीडियो में, दूसरी जो सबसे मेन चीज है, जो अगली टाइन है ना, इससे पिछली टाइन का स्पेस है, दिखा भाई एक बार इसे लगा के, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी आपके जो कल्टीवेटर है उसकी सेंसिंग में। तो अगर आपके ट्रैक्टर में 14/28 के टायर हैं तो आपको चलाना है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये न्यूलैंड की एजेंसी है गंगो, और यहाँ पे जो है अभी अभी देखो गाड़ी आई है HR45C6409। इस गाड़ी में दोस्तों जो है आपको दिख भी रहे होंगे ऊपर फील्ड किंग के कल्टीवेटर हैं, ये देखिए। तो अभी ये उतरेंगे और देखते हैं इसमें मतलब कितने टाइम के कल्टीवेटर है और क्या क्या दोस्तों इनका प्राइस है, क्योंकि फील्ड किंग के कल्टीवेटर जो है दोस्तों सबसे बेस्ट माने जाते हैं। फील्ड किंग जो है लगभग सभी इम्प्लीमेंट बनाती है और ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंट है फील्ड किंग के, ये मतलब एक्सपोर्ट होते हैं बाहर इंडिया से। और दोस्तों मतलब ये जो है फील्ड किंग, इसे हिंदी में मतलब बेरी भी बोलते हैं, बेरी उद्योग, कुछ भाई जो है इसे बेरी के नाम से जानते हैं। तो बेरी ही फील्ड किंग है और फील्ड किंग ही बेरी है। तो चलिए आपको आज की वीडियो में दिखाता हूँ इसमें कितने कल्टीवेटर हैं और कितने टेन के और क्या इनका प्राइस रहने वाला है। और दोस्तों एक मेन चीज़ और आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, कल्टीवेटर आपको मतलब कंपनी का ही क्यों लेना चाहिए। कंपनी का ये मान लो कि सर्टिफाइड कंपनी तो दोस्तों यही है फील्ड किंग और चुनिंदा कंपनी है, तो उसका क्या रीज़न है। मान लो आप कल्टीवेटर लोकल खरीदते हो ना अपने कस्बे से या शहर से, तो वहाँ के बने हैं कल्टीवेटर में और फील्ड किंग के कल्टीवेटर में क्या डिफरेंस है, इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपके ट्रैक्टर की सेंसिंग पे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों, काफ़ी चीज़ें मतलब मैटर करती हैं। तो अगर आप मेरी राय मानो तो कल्टीवेटर जो है आपको मतलब वो उसकी मास्ट हाइट, टोटल हाइट और पिन टू पिन हाइट सेंटर की, वो दोस्तों एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल, तो वही आपके ट्रैक्टर के लिए बेटर है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, देखते हैं एक बार इसमें पहले मतलब कितने कल्टीवेटर है। टायर तो दब रहे गाड़ी के, ये देखिए। इसका आपको दोस्तों जब ये नीचे उतर जाएंगे इसमें से सभी, तो तब आपको दिखाऊंगा मतलब हाइट कैसी होनी चाहिए। वैसे मैंने एक वीडियो पहले बना रखी 2 साल पहले, ये देखिए इनकी डिस्क्रिप्शन प्लेट सभी डाटा जो है मेंशन रहता है, लोकल कल्टीवेटर पर आपको नहीं मिलेगा। इसमें मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के आसपास होंगे दोस्तों कल जो इसमें वो है मतलब कल्टीवेटर। तो दोस्तों सभी कल्टीवेटर जो हैं उतर चुके हैं, ये जो है 11 टाइन के हैं। कितने कल्टीवेटर हैं? 6 हैं 11 टाइन के। और ये जो है देखो, ये है मतलब ये कितने, ये भी मेरे टोटल कितने हैं? 12। हाँ, 6 कल्टीवेटर जो है 9 टाइन के हैं। अब मतलब कल्टीवेटर कैसा होना चाहिए, उसमें जैसा मैं आपको बता रहा था क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ये फील्ड किंग की देखो बैजिंग हो रही है यहाँ पे, फील्ड किंग के कल्टीवेटर है और इनकी R&D जो टीम है दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो आपको कंपनी का ही कल्टीवेटर लेना चाहिए फील्ड किंग का। अगर आप ये कल्टीवेटर नहीं ले सकते और अपना कल्टीवेटर अपने लोकल एरिया में बनवाते हो या अपने शहर में जो आपके पास लगता है, तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन है दोस्तों जो बहुत ही ज़रूरी है, वो आपको बता रहा हूँ। तो एक बार जो है जो इसका फित्ता लगा भाई, ग्राउंड से लगा, नीचे ज़मीन से पूरा का पूरा। एक सेकंड ये यहाँ से मैं बताऊँगा, यहाँ से ले गए यहाँ से और यहाँ नापना ये होल। एक तो ये दिखानी इसकी ज़मीन पर लगा, हाँ लग गया। आप देखे दोस्तों सीधा कर नीचे बिल्कुल, हाँ। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है जो आपको बता रहे हैं। देखो ये हो गया यहाँ 44 इंच, ये आपको दिख रहा है 44। एक होल हो गया 44 इंच पर दोस्तों, दूसरा हो गया ये 42 के आसपास है, थोड़ा आधा इंच ऊपर नीचे है। तो अगर आपके ट्रैक्टर में 14/28 के टायर हैं तो आपको चलाना है ये यहाँ पे इस वाले होल में, और अगर आपके ट्रैक्टर में 12-13 के टायर है तो पिन डलेगी यहाँ पे। एक तो ये हाइट जो है मेन है, इसे बोलते हैं टोटल हाइट। एक मास्ट हाइट है, यहाँ से बीच से लगा मतलब बीच से, ये जो पिन की हाइट है ना ये, हाँ लगा ले अंदाजे से कर ले कितनी होगी, ये 24 है।
यहाँ से 24 पे कर तू, यहाँ 2 फुट पे है ना, ये 24 है, यहाँ से ये जो पिन के सेंटर है ना दोस्तों, यहाँ से और इसकी जो दूरी है इसे बोलते हैं मास्ट हाइट, ये 24 इंच होनी चाहिए। अगर 24 इंच नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी आपके जो कल्टीवेटर है उसकी सेंसिंग में। 2 होगी, एक तीसरी हाइट होती है पिनों की, ये जो पिन है ना इनकी हाइट होनी चाहिए 32 इंच। और ये जो मैं आपको सभी बता रहा हूँ ये कैटेगरी 2 के इम्प्लीमेंट के लिए है, अगर कैटेगरी 1 का इम्प्लीमेंट है उसकी दोस्तों अलग हो, तो 32 इंच ये होनी चाहिए, 44 इंच ग्राउंड से लेगा यहाँ तक होनी चाहिए, और जो ये हमने बताई मास्ट हाइट पिन से और यहाँ तक ये होनी चाहिए आपकी 24 इंच। और 2 होल ये इसीलिए दिए गए हैं, मतलब कुछ भाई सोचते होंगे 2 होल क्यों दे रखे, ये 14 के टायर रहेगा ट्रैक्टर में तो यहाँ चलागा, और 12 और 13 के है तो यहाँ पर चलागा। तो अब आपको एक बार इसका वेट दिखाता हूँ, आपको कीमत भी बताऊँगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा इनका, जो भाई लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो है गंगो में बहुत ज़्यादा डिमांड है, फील्ड किंग के कल्टीवेटर दोस्तों बहुत ज़्यादा बिकते हैं यहाँ से। प्रोडक्ट नेम कल्टीवेटर, मैन्युफैक्चरिंग डेट ईयर 2022-23, वेट के जी साफ साफ मेंशन है दोस्तों इस पर, यह है 260 किलो, और डायमेंशन 2400x490, टाइप मॉडल है दोस्तों सीरियल नंबर होगा, कैपेसिटी RPM HP 50 से 55 HP का ट्रैक्टर मेंशन किया है कंपनी ने रिकमेंडेशन, इतने HP का ट्रैक्टर होना चाहिए इसे चलाने के लिए, मिनिमम 45 HP तो दोस्तों होना ही चाहिए, और 11 टन का ही कल्टीवेटर है। और जो भाई मतलब इसे नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अपने एरिया में मतलब बनवाना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये कल्टीवेटर नहीं पहुँच पाते, तो आपको ये 2 चीज़ और बता रहा हूँ आपको ध्यान रखने वाली है। देखो जो टाइन से टाइन की दूरी हो लेगा ये, एक बार जो नहीं फिता लेगा, जो टाइन से इसे यहाँ रख और इसे यहाँ ऐसा रख, ये टाइन है ना यहाँ पीछे दोस्तों, टाइन है यहाँ पे जैसा, तो इसके यहाँ ले ले सेंटर में टाइन से, और जो टाइन की दूरी है यहाँ कर हाँ ऐसा दबा दें, ये 9 इंच होनी चाहिए, ये टाइन से टाइन हो गया 9 इंच, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और दोस्तों दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है, जो अगली टाइन है ना इससे पिछली टाइन का स्पेस है, दिखा भाई एक बार इसे लगा के, ये भी 16 इंच होना चाहिए। एक सेकंड आग लगा कर रख तू, ये देखिए दोस्तों आपको अब दिख रहा होगा, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है, मतलब टाइन से टाइन की जो दूरी है ये 16 इंच होनी चाहिए आपकी, तब आपका कल्टीवेटर जो है जाके सही काम करेगा। और वर्किंग विड्थ की अगर इसकी बात करें दोस्तों, फुट में भी आपको बता रहा हूँ 11 वाले की, ये बैठे दोस्तों 91 इंच, मतलब 12×84 7 फुट 7 इंच जो है इसकी वर्किंग विड्थ है, मतलब इस टाइन से और उस टाइन तक। और जो मतलब 9 का टिलर है 9 टाइन का, उसकी 18 इंच दोस्तों कम हो जाएगी, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कितनी है भाई, ये दोस्तों 92 91 बता रहा था, 92.5 है, कहाँ रख रखा है दो टाइन पे ही है, हाँ वो उन्होंने पहले पता नहीं कहाँ लगा दिया होगा फिता, ये 92.5 है दोस्तों, यहाँ तक ले ले, फाड़ी तो यहाँ है ना असल में, खुरपा वैसे चौड़ा रहे 92 मान ले है। तो ये चीज़ है दोस्तों। और एक बार आपको ये जो है देखो 260 वजन उसमें है, ऐसा नहीं है कि इनका वजन मतलब कल्टीवेटर में कम है, ये देखिए कल्टीवेटर 2022-23 और वेट है 2 क्विंटल 15 किलो इसमें, तो ये डिफरेंस हो गया कितना हो गया भाई, 15 25 35 45 55 और 5 60, मतलब 45 किलो वजन ज़्यादा है उसमें दोस्तों 45 किलो वजन ज़्यादा है। इसकी जो कीमत है कितनी बताई इसकी, 26,500। इसका जो प्राइस है दोस्तों 9 टाइन कल्टीवेटर का वो है 26,500, और जो 11 टाइन का है, 11 टाइन का प्राइस है दोस्तों 32,000। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है डीलर का वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करके आप डीलर से बात कर सकते हो, अगर आप कहीं बाहर से हो तो मतलब ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी जो है उपलब्ध है, आप कल्टीवेटर वहीं पर अपने घर पर मंगा सकते हो। और दोस्तों अगर आप ये कल्टीवेटर नहीं लेना चाहते, अपना खुद का कल्टीवेटर बनवाना चाहते हो, तो जो साइज दोस्तों मैंने आपको बताया है वीडियो में, आपको इस हिसाब का कल्टीवेटर बनवाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, धन्यवाद।